इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और लोग भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जा रहे थे, लेकिन लोगों में इस सेगमेंट के बढ़ते क्रेज को देखते हुए हीरो साइकिल ने बैटरी से चलने वाली साइकिल लेक्ट्रो EHX20 को लॉन्च किया है। दोस्तों, हीरो साइकिल ने अपने लेक्ट्रो रेंज के तहत एक नई इलेक्ट्रिक ई बाइक लॉन्च की है। EHX20 के नाम से मशहूर इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत 1,03,000 रुपए रखी गई है। भारतीय निर्माता ने जापान में यामाहा की स्मार्ट पावर व्हीकल बिजनेस यूनिटी के साथ हाथ मिलाया है ताकि भारत में ई बाइक का निर्माण किया जा सके। EHX20 को फ्रंट में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। लेक्ट्रो EHX20 को एडवेंचर लवर्स और माउंटेन बाइकर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल मेट्रो शहरों में हीरो साइकिल्स के आउटलेट्स पर उपलब्ध होगी। इसकी सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग सपोर्ट का काम मित्सुई एंड कंपनी संभालेगी। लेक्ट्रो EHX20 में सेंटर माउंटेन मोटर दिया गया है जो पेडल के बीच में है। ये साइकिल एक बार फुल चार्ज होने पर 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब होगी। इस ई साइकिल की कीमत 1,30,000 रुपये रखी गई है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेक्ट्रो EHX20 की मोटर को यामाहा इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट से इम्पोर्ट किया गया है, जबकि इस ई साइकिल को हीरो साइकिल्स की गाजियाबाद यूनिट में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये साइकिल दूसरी इलेक्ट्रिक साइकिल से अलग है। इसमें पीछे की बजाय पेडल के बीच में मोटर दी गई है। ये मैनुअल पेडलिंग और बैटरी असिस्ट के कॉम्बिनेशन पर चलेगी। इसके अलावा लेक्ट्रो EHX20 में ट्रिपल सेंसर टेक्नोलॉजी यानी टॉर्क सेंसर, स्पीड सेंसर और क्रैंक सेंसर दिया गया है। साथ ही इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी पावरफुल है। साइकिल में डबल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ये 3.5 घंटे की चार्ज पर 60 से 70 किलोमीटर तक चल सकती है। हालांकि कंपनी का दावा है कि ये बाइक सिंगल चार्ज पर 80 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जो कि बाइक की स्पीड और बैटरी जैसी कई जानकारी देता है।